सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे, इस बात को मानने की हिम्मत ना कोई दर्शक कर रहे हैं, ना ही उनके फैंस और ना ही उनकी फैमिली। ऐसे में हर किसी को अब शहनाज गिल की चिंता सता रही है। जहां हमने आपको बताया था कि लगातार शहनाज के पापा उनके टच में हैं और उन्होंने इस बात को कहा है कि शहनाज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो सकते में है, वो इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रही कि सिद्धार्थ नहीं रहे। ऐसे में अब्बू मलिक ने अब एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शहनाज सिद्धार्थ से शादी करना चाहती थी। उन्होंने कई बार शहनाज को यह कहते हुए सुना है, यानी कि उनसे उनकी बात भी हुई थी कि मैं सिद्धार्थ से शादी करना चाहती हूँ और इस बारे में आप मेरी तरफ से सिद्धार्थ की फैमिली से बात करें। आपने देखा होगा कि बिग बॉस 13 में भी अब्बू मलिक शहनाज और सिद्ध के बातें करते हुए नज़र आए। वो उन दोनों के बीच में थे और वहाँ रहते हुए भी वो इन दोनों को बहुत सारा प्यार दे रहे थे और बाहर निकलने के बाद भी वो सिद्ध के टच में ही थे। लॉकडाउन से पहले मार्च 22 को उनसे बात भी हुई थी शहनाज की कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ सिद्ध से और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। अबू मलिक ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि अभी 2-3 दिन पहले ही उन्हें सिद्ध का सपना आया था और वो सिद्ध को लेकर एक म्यूज़िक एल्बम भी बनाना चाहते थे। वहीं आसिम रियाज ने भी ये कहा कि मुझे आज सुबह ही सिद्ध का सपना आया और हम बिग बॉस की क्लिप देख रहे थे और उन्होंने मुझे गले लगा लिया था। यानी कि हर इंडस्ट्री का पर्सन इस बात को लेकर बहुत सकते में है कि सिद्ध इस तरह से नहीं जा सकते, क्योंकि हमें तो आज सुबह ही उनका सपना आया था। और सुबह के सपने जब हम देखते हैं तो जिनके देखते हैं उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। क्या ये बात सही है? हर कोई इस बात को बयां नहीं करना चाहता कि वो कितना प्यार करते थे सिद्ध से।